नवोदय प्लस टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं शिल्पी सेन। आइए डालते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की इस ताजातरीन खबर पर एक नजर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन और जनहित की मांगों को लेकर ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपे गए। आपको बताते चलें कि आज शहर ललितपुर के घंटाघर चौराहे पर समाजवादी पार्टी ललितपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष तिलक सिंह यादव एडवोकेट के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के समस्त प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया तथा 16 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए पंचायत के चुनावों में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पद के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को ज़्यादातर स्थानों पर नामांकन नहीं करने दिया गया और प्रत्याशियों पर फर्जी मुकदमे थोपे गए। इतना ही नहीं, महिला प्रत्याशियों के साथ भी बदसलूकी और कपड़े छीनने जैसा कुकृत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सत्ता की हनक में लोकतंत्र की हत्या की है। पिछले दिनों हुए पंचायती चुनाव को देखते हुए अब चुनाव बेमानी साबित हो रहे हैं, इसलिए 2022 के आगामी विधानसभा चुनावों तक समाजवादी पार्टी का यह आंदोलन जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपर जिला अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा को जनहित का एक 16 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें दिन प्रतिदिन बढ़ रही महंगाई और किसानों को मिलने वाली सुविधाओं में हो रही कटौती तथा बेरोजगार युवकों को नौकरी पेशा लोग और मजदूरों के हित की बात की गई। घंटाघर चौराहे पर धरना प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र एवं उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अनियमितताओं के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के धरना प्रदर्शन के दौरान शहर की पुलिस चौकन्नी रही। इस दौरान नवोदय प्लस टाइम्स के ललितपुर जिला ब्यूरो नासिर मीडिया वहां मौजूद थे। आइए देखते हैं उनकी यह खास रिपोर्ट। समय में खड़ा हूं घंटाघर पर, यहां पर समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन है। जो प्रेजेंट में अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, उसके विरोध में भी समाजवादी पार्टी यहां पर घंटाघर में बैठी है। सर, ये बात करते हैं, यहाँ बैठे पूर्व विधायक रमित कोतवाल से बात करते हैं, उनका क्या कहना है, किस चीज़ के लिए धन्यवाद कर रहे हैं? हम लोगों की लगभग प्रदेश अध्यक्ष 16 मांगे हैं, जो 16 सूत्रीय कार्यक्रम है माननीय अखिलेश जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन। प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ आज किसान को, मतलब किसान और बेरोजगार जवान नौजवान साथी सब परेशान चल रहे हैं, व्यापारी भी परेशान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के द्वारा यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है तहसील स्तर पर हर जिले में। और जब तक ये सरकार महंगाई को काबू नहीं करेगी, तब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। आज प्रदेश में इतनी महंगाई चरम सीमा पर, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, जो कहती थी सबका साथ सबका विकास, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बात करती थी, सब जगह फैल है। इस कोरोना काल में वैक्सीन नहीं मिली और ऑक्सीजन नहीं मिली, ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जिसका कोई रिश्तेदार या परिवार का आदमी खत्म नहीं हुआ हो। तो ऐसी सरकार हर जगह पर नाकाम रही, बलात्कार, हत्याएं, गुंडागर्दी चरम सीमा पर। पहली बार इतिहास में ऐसी सरकार बनी है जिसने इस प्रकार के काम किए हैं। हम लोग चाहते हैं कि प्रदेश में अमन चैन कायम हो, भाईचारा कायम हो और सरकारें ऐसी रहें जो जनता को विश्वास में लेके, मजदूरों को विश्वास में लेके और व्यापारियों को विश्वास में लेके काम करें। यही हमारा संदेश है और हम लोगों की मांग। देखिए जी, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के तिलक यादव जी, चलिए उनसे बात करते हैं, क्या कहना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम लोग बुधवार प्रदेश में महंगाई बढ़ गई है, उसके खिलाफ ये धरना है। जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ धरना है। जो चुनाव में लूट हुई है, जो धांधली हुई है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है उसके खिलाफ प्रदर्शन है। और जिस तरीके से
कमर तोड़ महंगाई जिस मोदी सरकार और योगी सरकार ने लगा रखी है, जिससे कि हमारे आम आदमी, किसान हो चाहे व्यापारी हो चाहे दुकानदार हो चाहे पत्रकार हो कोई हो, सभी दुखी है। और इन सब के खिलाफ जिस बेईमान और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये आंदोलन हमारा चल रहा है, और जब तक 2022 के चुनाव तक ये हमारा आंदोलन लगातार चलेगा और इस बेईमान योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे। योगी पार्टी के झंडा का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी तमाम प्रकार की मांगे हैं। जयपुर से उन्होंने ज्ञापन दिया, कितनी मांगे हैं? समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन दिया है, अयोध्या पंचायत चुनाव से संबंधित बातें हैं, इनका ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है और इनका ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ प्रेषित कर दिया जाएगा। इन्होंने धरना समाप्त कर दिया। बुंदेलखंड और देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नवोदय प्लस टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।